नमस्कार एवं तेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों के इस बुलेटिन को। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दी पुडुचेरी को सौगात। पीएम ने सागरमाला योजना के तहत माइनर बंदरगाह का किया शिलान्यास। पीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर साधा निशाना। भारत पाक की बातचीत फिट ट्रैक पर, दोनों देशों में डीजीएमओ लेवल की बातचीत में एलओसी के हालात पर हुई चर्चा। भारत पाक की बातचीत फिर ट्रैक पर, दोनों देशों में डीजीएमओ लेवल की बातचीत में एलओसी के हालात पर चर्चा हुई। पुराने समझौतों पर फिर अमल की सहमति बनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का दो दिवसीय मेघालय दौरा। मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचने पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने किया स्वागत। बिड़ला 26 फरवरी को स्वशासी निकायों के प्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। दिल्ली में महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने दाम कम करने की रखी मांग। पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ई स्कूटी पर बैठकर पहुंची सचिवालय। कहा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी परेशान। गले में लटकाया महंगाई का पोस्टर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर। जेपी नड्डा गए बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय के पैतृक निवास बंदोपाध्याय को अर्पित की श्रद्धांजलि। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। महाराष्ट्र के वाशिम में हॉस्टल के 229 स्टूडेंट मिले पॉजिटिव। राज्य में 126 दिन बाद फिर बढ़े 8000 से ज्यादा केस। करगिल और लद्दाख में हुई भारी बर्फबारी। पर्यटकों को मिला बर्फबारी का सुंदर नजारा। एक बार फिर से तेज हुई ठंड। आगरा के खेड़ा राठौर थाना के भदौरिया गांव के ग्रामीणों ने की शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं आते हैं समय से। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के महाराजगंज में जोगियाबारी मक्खन हत्याकांड का खुलासा। पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर दिया हत्या को अंजाम। लोहे की रॉड से मारा अपने पति को। यूपी के हरदोई में 9,50,000 की ठगी के मामले में मामला हुआ दर्ज। एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। पीड़ित ने कोतवाली थाने में लगाया मामले में लापरवाही का आरोप। यूपी के जालौन में मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के कन्नौज में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने मारी बाइक को टक्कर। दो लोगों की मौके पर मौत। आगरा के दयालबाग इलाके से किशोरी का हुआ दिनदारे अपहरण। पुलिस टूटी मामले की जांच में। पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज। यूपी के महाराजगंज में महंगाई के विरोध में निकाली साइकिल रैली। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। सपा के पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। यूपी के सुनौली में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर किसानों का विवाद। किसानों ने मुआवजे को लेकर किया प्रदर्शन। अपर मंडलायुक्त अजय प्रशांत सैनी ने की समझाइश। भोपाल में कोरोना के नए मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया जा सकता है। 26 फरवरी को गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बैठक में इसका फैसला लेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का विचार आने के बाद निर्णय लिया जाएगा। रायसेन जिले के बेगमगंज के पास जल संसाधन विभाग ने सर्वे शुरू किया। सागर एवं पटवारियों की टीम बिना बहुउद्देशीय परियोजना में सर्वे कर रही है। मडिया बांध के डूब क्षेत्र के लिए यह तीसरे चरण का सर्वे है। रायसेन में वनकर्मियों पर पैसे मांगने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे। ग्राम झिरिया के ग्रामीणों ने ही आरोप लगाए। मामले में वन विभाग के दस्ते ने महिला से की थी मारपीट। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम अशोक गहलोत गंभीर। सीएम ने ली कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर बैठक। सीएम ने अधिकारियों को सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। प्रदेश में 11,000 हेल्थ ऑफिसर्स की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की घोषणा। 10 नए ट्रॉमा सेंटर भी खोले जाएंगे। 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के बनेंगे भवन। 12 कलेक्टर ने ली जीवन मिशन संबंधी बैठक। जल जीवन मिशन के तहत कई मुद्दों पर की गई चर्चा।
मिनी सचिवालय सभागार में ली बैठक। जोधपुर के फलौदी में एक महिला और उसके बच्चे झेल रहे सामाजिक तिरस्कार, डबल मर्डर मामले में पति को हो चुकी आजीवन कारावास, ससुराल पक्ष ने भी नहीं दिया साथ। अजमेर की पंचशील गणेश गुवाड़ी मार्ग पर सड़क पर खड़ी कार में लगी आग, एक महिला गंभीर रूप से घायल, महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। नागौर जिले के खीवसर में स्कॉर्पियो ने कार को टक्कर मारी, उसका चालक फरार, कार चालक को घायल होने पर जोधपुर रेफर किया गया, पुलिस ने जांच शुरू की। नागौर के रियानमंडी में उपखंड अधिकारी ने किया कस्तूरबा आवासीय विद्या बालिका छात्रावास का निरीक्षण, भोजन की गुणवत्ता में सुधार के दिए निर्देश, हॉस्टल वार्डन को लगाई जमकर फटकार। डूंगरपुर में कॉलेज छात्रा ने की आत्महत्या, फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, पुलिस कर रही मामले की जांच। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना के सराफा बाजार में एक हलवाई की दुकान में लगी आग, गैस सिलेंडर रिसाव से हुआ हादसा, दुकान का सामान जलकर हुआ राख। डूंगरपुर में टीएसपी क्षेत्र के अलवर में बड़ी पेयजल की समस्या, धोबी घट्टा क्षेत्र की महिलाओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन, पुलिस ने समझाइश के बाद टंकी से उतारा महिलाओं को। बारह में एसीबी ने सदर थाने के एएसआई को रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया, झालावाड़ एसीबी की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया, एएसआई सीताराम मीणा को 3000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। अजमेर के कोटड़ी गांव में खेत की रखवाली करने गए किसान की संदिग्ध मौत, खेत पर मृत मिला किसान, रात को खेत की रखवाली के लिए गया था मृतक, पुलिस जुटी मामले की जांच में। भीलवाड़ा में 800 साल पुराने हरणी महादेव मंदिर में किया गया धार्मिक अनुष्ठान, शिखर ध्वज स्थापना के 52 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया आयोजन, मंत्रोच्चार के साथ बदला गया मंदिर का शिखर ध्वज। झुंझुनू जिले में 10 दिन में दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदात, मामलों को लेकर भाजपा ने किया प्रदर्शन, भाजपा सांसद नरेंद्र कुमार ने साधा निशाना। बीकानेर में 3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने भरी हुंकार, जिला कलेक्ट्रेट से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक निकाली रैली, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। अलवर के सैंथली गांव के ग्रामीणों ने जुगराव रोड पर लगाया जाम, अवैध खनन से आक्रोशित हैं ग्रामीण, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी नहीं रुक रहा है अवैध खनन। टोंक के निवाई में ग्राम पंचायत सरपंचों ने दिया धरना, एसएफसी और एफएफसी की राशि जारी करने की रखी मांग, राज्यपाल और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। जैसलमेर के नाचना के भारेवाला गांव में चल रहे अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार, पीपीपी मोड पर चल रहा है अस्पताल, अस्पताल में ना चिकित्सक हैं ना ही लैब टेक्नीशियन। पाली के रायपुर के बर गांव में निकाली गई भव्य कलश यात्रा, श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन को लेकर निकाली यात्रा, बस स्टैंड से सिद्ध आश्रम तक निकाली गई कलश यात्रा। बारह घंटा में युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ, आरोपी पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म का है आरोप। इस बार उम्मीद के बराबर नहीं रहा आबकारी विभाग का राजस्व, नई नीति में ठेकेदारों ने भी नहीं दिखाई दिलचस्पी, 3 मार्च से 5 मार्च तक नई रजिस्ट्रेशन की तारीख। बाड़मेर के बालोतरा के पाटोदी में गौचर भूमि पर अतिक्रमण का मामला, ग्रामीणों ने लोहे की जाली लगाकर की पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, जमीन को गौशाला के नाम करने को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भरतपुर में आरसीए ने लिया अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का ट्रायल, लोहागढ़ स्टेडियम में लिए गए ट्रायल, लंबे समय बाद लिए गए हैं ट्रायल। एवं तेज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।